नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 का होंडा एसपी 125 के साथ और जानेंगे कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए और कौन सी बाइक में आपको ज़्यादा फीचर प्रोवाइड होते हैं और कौन सी बाइक का पावर ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दोनों बाइक के की के साथ ये जो है पल्सर की है और ये जो है आपको एसपी 125 की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बजाज पल्सर में जैसे नॉर्मल आपको की आती है वैसी की इसमें मिल जाएगी और जैसे कि होंडा शाइन में और एसपी शाइन में की आती थी उस टाइप की आपको इस बाइक में मिल जाएगी। दोनों की क्वालिटी की बात करें तो आपको ठीक सी की क्वालिटी मिल जाती है, कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकता, ज़्यादा ख़राब सी नॉर्मल सी आपकी की क्वालिटी दोनों में मिल जाती है। इसके दोनों बाइक के हेडलैम्प्स की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपकी पल्सर है इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे दो पायलट लाइट भी आपको मिल जाती है। और जबकि बढ़ते हैं हम एसपी 125 की तरफ तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं फुल एलईडी सेटअप के साथ ये लाइट आती है। अगर हम लाइट की बात करें तो ये एलईडी सेटअप के साथ आती है जिसका आपको परफॉर्मेंस नाइट टाइम में ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप एलईडी लिखा हुआ मिल जाता है। अगर मतलब इसके लुक की बात किया जाए अगर तो ये एलईडी के साथ आती है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी हो जाता है। और पल्सर की बात करते हैं तो आपको बेसिक सा लुक जैसे कि पहले के पल्सर में आता था वैसा ही मिलता है। बट अगर स्पोर्टी नेचर की बात करें तो कुछ ज़्यादा स्पोर्टी लगती है क्योंकि ब्लैक एलिमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है तो थोड़ा स्पोर्टी भी आपको फील देती है। और पायलट लैम्प का आपको फीचर बस इस पल्सर में आपको मिलता है जबकि एसपी 125 में नहीं मिला। इंडिकेटर्स की बात करें तो दोनों में आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। डिज़ाइन की बात करें यहाँ पे आपको बेसिक सा पल्सर में डिज़ाइन मिल जाता है, बट एसपी 125 की बात करें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन मिलता है थोड़ा सा आपको शेप चेंज किया गया जिसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है। टायर की तरफ और देखते हैं इसके टायर में आपको कितना साइज़ का टायर ऑफर होता है। तो 18 इंच का टायर आपको इसमें एसपी 125 में ऑफर हो जाता है जबकि पल्सर में आपको 117 इंच का मतलब एक इंच छोटा आपको टायर ऑफर होता है। अगर एलॉय व्हील की अगर बात करें तो दोनों में आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील ऑफर हो जाते हैं। और डिज़ाइन की बात करें तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। मुझे ओवरऑल दोनों का डिज़ाइन एक जैसा ही लगता है। अगर सिटी की बात करें तो सिटी के लिए नॉर्मल यूजर्स के लिए ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर स्पोर्टी नेचर की बात करें तो पल्सर का एलॉय व्हील थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर में आ जाता है। 125 में आपको डिस्क मिल जाता है जबकि ये जो मेरे पास अभी एसपी 125 है ये ड्रम ब्रेक के साथ आती है। लेकिन होंडा में जो एसपी 125 है डिस्क में भी अवेलेबल है विद कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। दोनों में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का फ़ायदा मेनली वो होता है जब आप इसका बैक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 60% बैक 30% फ्रंट ब्रेक लगता है जिसकी वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी काफ़ी सही चीज़ है। ये दोनों बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। दोनों बाइक 125 सेगमेंट की बाइक है तो इसमें आपको ABS नहीं मिलता है, बस कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। दोनों बाइक की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। एसपी 125 में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है जबकि पल्सर 125 में आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलता है। ये थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है, ये थोड़ा सा आपको सिटी यूज़ के लिए ज़्यादा प्रीफर करता है। और हम बात करते हैं दोनों गाड़ी के पेंट क्वालिटी की तो दोनों गाड़ी में आपको मैट ग्रे फिनिश में दोनों गाड़ी का पेंट है। इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी आपको लगता है और ये थोड़ा सा नॉर्मल आपको ग्रे लगता है। और हम बात करते हैं दोनों गाड़ी के नंबर प्लेट की प्लेसमेंट की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसपी 125 की नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे है और पल्सर 125 की नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे है। अगर बात करते हैं तो एसपी 125 में ज़्यादा विजिबल है, पल्सर में नहीं विजिबल है। आप देख पा रहे होंगे नंबर प्लेट उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, ये भी आप देखिएगा, इस बात पे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और रिफ्लेक्टर की बात करें तो दोनों बाइक में अब रिफ्लेक्टर मिलने लगा है क्योंकि दोनों बाइक BS6 है तो मैंडेटरी हो गया है रिफ्लेक्टर देना। तो इस दोनों बाइक में रिफ्लेक्टर भी आपको मिलना है दोनों साइड में। बात करते हैं दोनों बाइक के साइड प्रोफाइल की तो आप यहाँ पे पल्सर में सबसे पहले देख पा रहे होंगे जो पल्सर 125 है ये पल्सर 150 की तरह ही दिखने में आपको लगती है। कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों बाइक में आपको नहीं लगता है, बस आपको कोई डिफरेंस लगता है तो 125 का यहाँ पर डिफरेंस रहता है। ये जो मॉडल है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है जबकि हम बात करते हैं एसपी 125 की काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक के साथ ये बाइक आती है। कलर की बात करें थोड़ा शाइनी सा कलर लगता है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में और पल्सर में आपको नियॉन ब्लू फिनिश में लोगो मिलता है। अगर हम हर वीडियो में पल्सर के जितना भी इसका वीडियो बना चुके हैं अभी तक उतने में हम बोले हैं कि जो इसकी लोगो की क्वालिटी है ना उतनी अच्छी नहीं, यहाँ से उखड़ने लगता है। तो इस बात पर बजाज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आपको रबराइज फिनिश मिल जाती है टैंक के प्रोटेक्शन के लिए, वो काफ़ी अच्छा है जो कि यहाँ पे आपको एसपी 125 में नहीं मिलती है। तो ओवरऑल हम फिर से एक बात बोलना चाहेंगे कि जो पल्सर 125 है ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और ये फैमिलियर यूज़ के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है, एक सिटी यूज़ के लिए फैमिलियर यूज़ के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसपी 125 की यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है और BS6 का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। और पल्सर में आपको ज़्यादा कुछ स्टिकरिंग का यूज़ नहीं किया गया है, मेनली ज़्यादा लोगों का ही यूज़ किया गया है। और यहाँ पर बजाज
DTI का यहाँ पे DTSI का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। चलिए दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पल्सर में देख पा रहे हो, इसमें आपको बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, कोई कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नहीं मिलती है। दो ट्रिप मिल जाता है, ट्रिप वन ट्रिप टू, ओडोमीटर यहाँ मिल जाता है, फ्यूल गेज स्पीडोमीटर यहाँ पे, इंजन चेक लाइट और RPM मीटर RPM लिमिटर सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। जितना बेसिक सा एक बाइक में होना चाहिए उतना कुछ आपको इसमें मिल जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। इंजन चेक लाइट का मैं सारे वीडियो में अपने बता चुका, जो इंजन चेक लाइट है ये तभी स्टार्ट करने के बाद भी अगर वो ऑन रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बंद हो गई, स्टार्ट करने के बाद भी अगर वो ऑन रहती है तो आपके इंजन में कोई फॉल्ट है, आप इस बाइक को अपने सर्विस सेंटर में ले जाके OBD डिवाइस को तो स्कैन करके पता लगवा सकते हैं कि इसके इंजन में क्या फॉल्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं SP125 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पर, देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या ऑफर होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें आपको गियर इंडिकेशन भी मिल जाता है, टाइम भी शो होता है, एवरेज जो होता है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ट्रिप ऑन ट्रिप भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं वो भी आपको शो हो जाती है, किलोमीटर यहाँ पे आपको शो होता है और फ्यूल इंडिकेशन इस जगह पे आपको रहता है, इंजन चेक लाइट आपको इस जगह मिल जाती है, हाई बीम का यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, इंडिकेटर का इंडिकेशन आपको इस जगह पे मिल जाता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें जो आपको ज़्यादा कुछ फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एवरेज शो होता है, रियल टाइम कितना एवरेज दे रही है वो सब आपको शो हो जाता है। अगर फ्यूल इकोनॉमी की हम बात करें तो 66 से 70 किलोमीटर का माइलेज ये दे देती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 66 का माइलेज शो कर रहा था, तो आपको 50 से एवर भी इसमें माइलेज मिलेगा, 50 से आपको कम नहीं मिलेगा, जबकि आपको पल्सर 125 में 50 से ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा, 40 से लेकर 50 तक में उसका माइलेज आपको मिलेगा, 50 से ज़्यादा आप हाईवे पे आप उम्मीद मत करिए 50 से ज़्यादा वो नहीं दे पाएगी। बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के दोनों बाइक की, तो SP125 की अगर बात करें तो 10.8 PS का पावर जनरेट करती है 7500 RPM पे, और जो मैक्सिमम है टॉर्क जनरेट करती है 10.9 NM का टॉर्क जनरेट करती है 6000 RPM पे, और जब हम बात करते हैं पल्सर 125 का ये 12 PS का पावर जनरेट करती है 8500 RPM पे और 11 NM का टॉर्क ये जनरेट करती है 6500 RPM पे। जब पावर उसका ज़्यादा है बट वो ज़्यादा RPM पे वो पावर जनरेट करती है, जबकि उसका बाइक का जो वेट है वो भी इस बाइक से ज़्यादा है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पल्सर 125 में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जबकि हाइट SP125 की ज़्यादा है, तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो ये बाइक थोड़ी सी आपको ऊंची लग सकती है SP125, जबकि पल्सर आपको नॉर्मल लग सकती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, उसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ओवरऑल बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो आपको इनिशियल में SP125 ज़्यादा बेहतर लगेगी, क्योंकि इस इनिशियल पिकअप SP125 का ज़्यादा है, और जबकि पल्सर 125 टॉप एंड में ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। और हाईवे स्टेबिलिटी की बात करें तो पल्सर 125 की स्टेबिलिटी SP125 से ज़्यादा है हाईवे पे। अगर सिटी यूज़ के लिए आप लेना चाहते हैं तो SP125 आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगी, अगर आपको हाईवे और सिटी दोनों यूज़ करना है, मैक्सिमम हाईवे पे चलते हैं तो पल्सर 125 ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन होगा। बाइक की अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करेंगे तो दोनों बाइक अपने अपने जगह पे काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे आपको जो टेल लैंप मिलता है वो आपको हैलोजन टेल लैंप मिलता है, जबकि अगर पल्सर 125 की बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप मिलता है। ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा जैसा पल्सर में ग्रैब हैंडल मिलता है वैसा मिल जाता है, लेकिन पल्सर 125 में एक स्प्लिट सीट वेरियंट आता है जिसमें आपको जैसा 180 में ग्रैब हैंडल मिलता था उस टाइप का मिलता है, वो कुछ ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, वो बाइक भी आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं SP125 की ग्रैब हैंडल की, यहाँ पे आपको थोड़ा रबराइज फिनिश में इसका ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो ग्रिप करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर और अगर आप इसको बाइक को ग्रिप कर रहे हैं तो ज़्यादा स्लिप भी नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रिल मिला है, ग्रिल के ऊपर आपको फाइबर के थोड़ा सा यहाँ पे फिनिश मिल जाती है, जो कि आपको जो पीछे का कोई लेडी बैठती है उसकी साड़ी फंसेगी नहीं, वो अच्छे हेल्प करेगी। इसमें आपको ग्रिल मिलती है बट फाइबर का जो पार्ट है वो नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है दिखने में। अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो पल्सर में आपको ब्लैक कलर का रियर सस्पेंशन मिल जाता है, ये भी एडजस्टेबल है। और हम बात करते हैं SP125 में तो यहाँ पे आपको रेड कलर का मिलता है, ये भी एडजस्टेबल है। अगर हम दोनों बाइक की अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो दोनों बाइक की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको हाईवे के लिए प्रीफर करना तो ये बाइक हम ज़्यादा प्रीफर है कि अगर आपको सिटी चलना है, थोड़ा बहुत अगर हाईवे जाना है तो ये बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एवरेज इसमें अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है, और इनिशियल में आपको इसका पिकअप भी अच्छा मिल जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिटी के लिए और थोड़ा बहुत अगर आप हाईवे जाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी है, बट बस अगर आप ज़्यादा हाईवे पे चलते हैं तो ये बाइक ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की, तो दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसी अमाउंट में दोनों बाइक सेल भी हो रही हैं, तो इसलिए मैं अगर फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको हाईवे ज़्यादा चलना है तो आप पल्सर 125 पे जाइए, अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है तो आप SP125 में चाहिए। आपको बस अगर माइलेज से काम है तो SP125 है, अगर आपको माइलेज के साथ थोड़ा सा हाई एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो पल्सर 125 में आप जा सकते हैं।
ओवरऑल दोनों गाड़ी काफ़ी बेहतर है, आप किसी में भी जाएंगे आपको डिसीजन गलत नहीं होगा। लुक का प्रेफरेंस आप पे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, लुक अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, इसलिए लुक के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इन दोनों बाइक का डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, SP125 का जो डिस्क वेरियंट है इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ, Pulsar 125 का स्प्लिट सीट का भी रिव्यू कर चुका हूँ, इसका भी रिव्यू मैं अच्छे से पूरा डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ में। तो आप उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं मेरा दोनों वीडियो। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी कोई भी क्वारी हो 2-व्हीलर 4-व्हीलर से रिलेटेड तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके, मेरा ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। साइनिंग ऑफ।